हेलो गाइस, दिस इज साईश। फ्रेंड्स, हम खाली टाइम पे क्या करते रहते हैं? हम खाली टाइम पे गेम्स को खेलते रहते हैं। गेम्स बोले तो पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे गेम्स हैं ना। इन सारे गेम्स को हम हमारे मोबाइल में खेलते रहते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आपके सामने लाऊँ दी बेस्ट गेमिंग मोबाइल्स अंडर 20,000 रुपीज़। चलो चलते हैं वीडियो में, जाके कौन से वो मोबाइल्स देखते हैं। वीडियो में जाने से पहले, इस सारे मोबाइल्स में आपको 6GB रैम मिल जाती है और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। अच्छी तरह की गेमिंग प्रोसेसर मिल जाती है आपको। बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, नहीं तो क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल जाती है। और फ्रंट में भी आपको अच्छी तरह से कैमरा सेटअप मिल जाती है। 16MP मिनिमम 16MP रहती है इन सारे मोबाइल्स में। आपको गेमिंग खेलना बोलते हैं, आपकी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी अच्छी तरह से होने चाहिए। इसलिए इस सारे मोबाइल में आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट तो ईजिली मिल जाती है। 90Hz नहीं तो 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। चलो देखते हैं कौन से वो टॉप 5 मोबाइल फोन्स अंडर 20,000 गेमिंग के लिए। हमारे नंबर वन पर आती है Redmi की तरफ से Redmi Note 10S। इस मोबाइल के बॉडी के बारे में बात करें तो इस मोबाइल की बैक साइड केस आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक केस मिल जाएगा। इसमें आपको 3 कलर्स मिल जाएगा, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। और बैक साइड आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल जाती है और साथ साथ LED फ्लैश भी मिल जाती है। राइट साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाती है, उसके ऊपर ही आपको वॉल्यूम बटन्स भी मिल जाते हैं। इसमें आपको 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ एक स्पीकर, नीचे की तरफ एक स्पीकर, क्योंकि ये मोबाइल गेमिंग का मोबाइल है। इसके नीचे की तरफ आपको 3.5mm वाले ऑडियो जैक देखने को मिल जाती है और टाइप सी पोर्ट भी मिल जाती है। इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 6.43 इंचेस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। ये डिस्प्ले के ब्राइटनेस के लेवल्स देखें तो आपको 1100 निट्स ब्राइटनेस आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिलती है। और इस मोबाइल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक की हेलियो G95 प्रोसेसर मिल जाती है। एक तगड़ा प्रोसेसर है, एक गेमिंग का प्रोसेसर है। ये सुपर फास्ट होती है, सुपर फास्ट ग्राफिक्स को डिलीवरी करती है। परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी भी अच्छा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक चलनी चाहिए। इसलिए इस मोबाइल में आपको 5000mAh बैटरी मिल जाती है और जल्दी से चार्जिंग चढ़ने के लिए इसमें आपको 33W फास्ट चार्जिंग को देखने को मिलती है। और इस मोबाइल के कैमरास के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 64MP वाले प्राइमरी सेंसर मिल जाती है। बैक साइड में 8MP वाले अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिल जाती है। आपको 2MP वाले माइक्रो सेंसर मिल जाती है और 2MP वाले डेप्थ सेंसर मिल जाती है। इसमें आपको क्वाड रेयर कैमरा सेट देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल के रेयर कैमरा को यूज करके आपको 4K में भी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इस मोबाइल में फ्रंट में आपको 13MP की सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलती है। इस फ्रंट सेल्फी कैमरा से आप फुल HD वीडियो आपको 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइनली इस मोबाइल की प्राइस के बारे में बात करें तो ये मोबाइल आपको 8GB 128GB वेरिएंट आपको 18,500 रुपीज़ में मिल जाएगी। 6GB 128GB वेरिएंट आपको 16,500 में ये मोबाइल मिल जाएगी। ये नंबर वन पर है हमारा गेमिंग मोबाइल Redmi Note 10S। हमारे नंबर टू पे आती है Realme की तरफ से Realme 8 Pro। इस मोबाइल के बॉडी के बारे में बात करें, इसमें भी आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक केस मिल जाती है। ये मोबाइल आपको 3 कलर वेरिएंट्स में मिल जाती है, ब्लू, ब्लैक एंड येलो। इस मोबाइल में भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल जाती है और एक फ्लैश भी मिल जाती है। इस मोबाइल में राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिल जाती है, उसके नीचे पावर बटन मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाती है। आपको इस मोबाइल में 3 सिम कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं। 3 सिम बोलते आपको 3 सिम नहीं, 2 सिम डाल सकते हैं और एक SD कार्ड भी डाल सकते हैं। और इसमें आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाती है और इसमें 2 माइक्स मिल जाते हैं। 2 माइक्स बोले तो आपको एक माइक आपके वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए और एक माइक नॉइस को कैंसिल करने के लिए ए माइक्स होते हैं। और इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाती है। इसमें आपको 180Hz टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक गेमिंग मोबाइल है। और इस डिस्प्ले में आपको इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। ए प्रोसेसर भी एक गेमिंग प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का स्पीड आपको 2.3GHz तक चले जाती है। और इस मोबाइल की कैमरास के बारे में बात किया जाए तो इस मोबाइल में बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी कैमरा 108MP का कैमरा है और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2MP का माइक्रो लेंस है और 2MP का डेप्थ लेंसर आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल का रियर कैमरा को यूज़ करके 4K वीडियो को आप 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस मोबाइल की फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें आपको 16MP वाले इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाती है। इस कैमरा को भी यूज़ करके आपको फुल HD वीडियो आपको 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं।
और इस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है और ये बैटरी 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लास्ट एंड फाइनल इस मोबाइल की प्राइस के बारे में बात करें तो इस मोबाइल आपको 17,700 rupees में आपको 6GB 128GB वेरियंट आपको देखने को मिल जाती है और 8GB 128GB वेरियंट आपको 19,700 rupees में ये मोबाइल मिल जाती है। हमारे नेक्स्ट नंबर क्या है, हमारे नेक्स्ट नंबर थ्री पर है IQ की तरफ से IQ Z3। ये मोबाइल भी एक तगड़ा गेमिंग मोबाइल है, 5G गेमिंग मोबाइल है। इस मोबाइल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 768 5G प्रोसेसर मिल जाएगी। ये प्रोसेसर एक गेमिंग प्रोसेसर है, इसका स्पीड 2.4 GHz से 2.8 GHz तक बढ़ जाती है। और इस मोबाइल के आउट डिजाइन के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको कार्बोनेट प्लास्टिक केस मिल जाएगा बैक साइड में। ये मोबाइल दो कलर वेरियंट में आपको मिल जाएगा, ब्लैक कलर और ब्लू कलर। इस मोबाइल में आपको बैक साइड में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगी और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके ऊपर ही वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाएगी। इस मोबाइल के नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, 3.5 mm वाली ऑडियो जैक मिल जाती है और एक माइक में दो माइक मिल जाते हैं और सिंगल स्पीकर मिल जाती है। और इस मोबाइल की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 6.6 inches वाली IPS LCD Full HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। और इस डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल की कैमरा के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप रहता है, 1600 वाली प्राइमरी सेंसर, 8MP वाली अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 3MP वाली डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको 16MP वाली सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल में आपको 400mAh बैटरी मिल जाती है, बैटरी आपको 50W फास्ट फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फाइनली इस मोबाइल का प्राइस देखें तो आपको 8GB 128GB वेरिएंट आपको 21,000 में मिल जाएगा क्योंकि एक 5G मोबाइल है, और 6GB 128GB वेरिएंट आपको 20,000 में मिल जाएगा और 8GB 256GB वेरिएंट आपको 23,000 rupees में देखने को मिल जाएगा। हमारे नेक्स्ट नंबर है फोर्थ नंबर पे हमारे मोबाइल है मोटरोला की तरफ से Moto G60। इस मोबाइल की बॉडी के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बहुत पुराना हो गया फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में, इस मोबाइल में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है और इसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिल जाती है और ये भी प्लास्टिक का केस है। राइट साइड में पावर बटन मिल जाती है और नीचे ऊपर वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं। नीचे की तरफ फोन के नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाती है और 3.5mm वाले ऑडियो जैक मिल जाती है और एक स्पीकर मिल जाती है, ड्यूल माइक मिल जाती है। ड्यूल माइक बोलते हैं आपके वॉइस को लेने के लिए और एक नॉइस को कैंसिल करने के लिए ड्यूल माइक यूज होते हैं। और इस मोबाइल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिल जाती है। और इस मोबाइल की कैमरास के बारे में बात करते हैं, इस मोबाइल में आपको 108MP की सेंसर देखने को मिल जाती है। बैक साइड में तो फिंगरप्रिंट सेंसर है और बैक साइड में 108MP की कैमरा देखने को मिल जाती है प्राइमरी कैमरा, और 8MP की अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिल जाती है, 2MP की डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाती है और फ्रंट साइड में आपको 32MP की सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 6.8 inches वाली बड़ा फोन है, 6.8 inches बोले तो 6.8 inches वाली 120Hz रिफ्रेश रेट वाली LCD पैनल आपको देखने को मिल जाती है। Full HD+ LCD पैनल आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको HDR10 भी सपोर्ट करती है। इसमें आप Netflix etc. बहुत सारे वीडियोस को HD में देख सकते हैं। और इस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करें इसमें भी बड़ा बैटरी है, मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बड़ा बैटरी बोलते 6000mAh बैटरी है और ये बैटरी आपको 20W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इस मोबाइल की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 6GB 128GB मोबाइल की वेरिएंट आपको 18,050 rupees में आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। इसमें एक ही वेरिएंट है, आप 18,000 पे करके इस मोबाइल को ले सकते हैं। ये है गेमिंग का मोबाइल Moto G60। ओके गाइस, ये है Under 20,000 दी बेस्ट गेमिंग मोबाइल्स। ओके गाइस, ये वीडियो पसंद आए तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन रहती है उसको दबा दीजिए और नीचे एक कमेंट सेक्शन भी रहती है। इस मोबाइल्स के बारे में कुछ तो डाउट्स है तो आप वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और नीचे एक लाइक बटन भी रहती है उसको भी दबा दीजिए और नीचे कोई तो भी इंक और कोई से भी बटन्स रहे तो सारे बटन्स को दबा के रख लीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।